तखतपुर विधानसभा के संसदीय सचिव, तखतपुर के विधायक माननीय राजू सिंह छत्री जी से मौके पर रूबरू होने जा रहा हूँ। आप बताएंगे सर कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के मुखिया डॉक्टर अमर सिंह द्वारा संचार क्रांति का योजना चलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस का चेक वितरण किया जा रहा है, तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार से आप ये वितरण किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प रहा है गांव, गरीब और किसान, जहां हम आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वहीं मानवीय संवेदनाओं के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, भवन निर्माण कर देंगे, ये तो बनने बिगड़ने की चीज है, लेकिन जनता किस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का प्रदेश में अवसर दिया? डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीन बारी सफलतापूर्वक संचालित कर दिया। उन्होंने न केवल निर्माण कार्यों के दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, बल्कि किसानों को उनका हक कैसे मिले इसके लिए भी उन्होंने काम किया, गरीबों के जीवन स्तर में कैसे परिवर्तन आए इसकी समुचित व्यवस्था ही नहीं बल्कि उसको एक योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का उन्होंने काम किया। सबसे पहले यहाँ प्रदेश में भूख से मौत होने की शिकायत मिलती थी, प्रदेश के लाखों लोग पलायन कर जाते थे। सबसे पहला काम भूख और पलायन को रोकना था और इसीलिए 2 रुपये और 3 रुपये, पहले 3 रुपये किलो की चावल की योजना बनी, फिर 2 रुपये और 1 रुपये किलो की चावल की योजना बनी, ताकि गरीब किसान, गरीब परिवार को कम से कम भरपेट भोजन मिल जाए। और काम इतने निर्माण कार्यों का उन्होंने काम किए, इससे गरीबों को रोजगार मिला। इसके अलावा गरीबों के बच्चे स्कूल में कैसे ठीक से पढ़ सके, इसके लिए न केवल आंगनबाड़ी में पोषक आहार बल्कि स्कूल प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क गणवेश की व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, इसके अलावा दूरी होने के कारण हमारी बेटियां नहीं पढ़ पा रही और उनके लिए सरस्वती साइकिल योजना का सफलतापूर्वक उन्होंने संचालन किया। इसके अलावा कॉलेज की बेटियों और बेटों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप टैबलेट वितरण की योजना उन्होंने बनाई, ताकि न केवल वह किताबी ज्ञान हो सके बल्कि एक यूनिवर्सल दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा गरीबों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान की योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा की योजना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना और अभी माननीय प्रदेश के मुखिया के द्वारा आबादी पट्टा वितरण का कार्यक्रम तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसमें पुराने समय जमाने में जब पट्टा दिया जाता था तो उसमें भूस्वामी का अधिकार नहीं था और इसमें भूस्वामी का अधिकार एक बहुत बड़ी बात है कि भूस्वामित्व का हक उन आबादी पट्टाधारियों को मिले, बल्कि अब संचार क्रांति के जमाने में इसका योजना उन्होंने लॉन्च की और लॉन्च ही नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से उसको क्रियान्वित कैसे हो सके इसके लिए सारे जनप्रतिनिधियों को मॉनिटरिंग के लिए लगाया कि आप एक एक गांव में, एक एक जो कस्बे हैं, शहर हैं, मजरा टोला है, यहाँ किस तरह से मोबाइल का वितरण हो रहा है, ताकि गांव के लोग भी न केवल उससे बात कर सकें बल्कि अन्य जानकारियां जैसे मौसम का हाल, आजकल हम पैसे जमा लेन देन मोबाइल से भी कर सकते हैं तो इससे समय की बचत, इस तरह की बहुत सारी मानवीय संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील होते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी ने योजना बनाई। दोस्तों ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि आज पूरी आज भारत देश में आज शोक की लहर चल रही है और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का अभी परसों निधन हुआ, तो इसके आप निर्धन में आप क्षेत्रवासियों को क्या संवेदना प्रकट करेंगे? देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जो सर्वमान्य था। राजनीति के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अभी मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी इतने समय में ये अनुभव आया
की राजनीति में सबको खुश करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है और उन्होंने यह काम बड़ी आसानी से कर दिखाया। ना केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका आदर करते थे बल्कि विपक्षी दलों के लोग भी उनका आदर करते थे। एक ऐसा दौर आया जब ग्वालियर से माधवराव जी सिंधिया चुनाव लड़े और उनके खिलाफ में वाजपेयी जी चुनाव लड़े और वाजपेयी जी को हार का सामना करना पड़ा। तब फिर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें वाजपेयी जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष ठीक से काम नहीं कर पाती है। और इसी निर्णय को देखते हुए देश में हमने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था लाख लोग बिना कोई बुलाए जब कोई कार्यक्रम करते हैं अन्य प्रकार से हम संसाधन जुटा करके भीड़ इकट्ठा करते हैं लेकिन उनके शहादत में देश में पहला अवसर है। राजीव गांधी जी शहीद हुए वो दूसरे कारण से हुए, इंदिरा जी शहीद हुई वो भी दूसरा कारण था। इनके स्वाभाविक निधन पर इतने लाखों लाख लोगों को झुंडना अपने आप में इस बात को बताता है कि वह व्यक्ति कितना विराट व्यक्तित्व का रहा। एक देश ने एक सर्वमान्य तो नेता तो खोया ही है बल्कि देश ने एक स्वाभाविक पत्रकार को भी खो दिया है, देश ने एक मूर्धन्य कवि को भी खो दिया है। आज हताशा और निराशा के भाव से हम लबरेज हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जी जी, आज देखिए आज यहाँ पर रूबरू हुए संसदीय सचिव राजू सिंह छत्तीसवास, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.